हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आज हमारी रेसिपी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम एक ही बैटर के साथ बहुत सारे कपकेक्स को तैयार करेंगे। 6 वैरायटीज हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे एक बैटर से। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। कोई भी आपकी रेसिपी के बारे में कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम सबसे पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, अनफ्लेवर्ड ऑयल है। 1/2 कप कैस्टर शुगर है। 2 TSP वनीला एसेंस आपको यहाँ पर लेना है। 1/4 कप यहाँ पर मैंने विस्क कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम कर्ड को यूज करेंगे। थिक कर्ड लिया है यहाँ पर मैंने, 1/2 कप थिक कर्ड आपको लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक स्मूथ बैटर प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ। इस प्रोसेस में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। कंटिन्यूस विस्क करते हुए हम इसे प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा बोल लेना है, जहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट को छानेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिफ्ट लिया है। यहाँ पर 1 कप मैदा है, 1/2 TSP बेकिंग सोडा है और 1 TSP बेकिंग पाउडर है, और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इससे सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार स्पैचुला की हेल्प से फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे एक साथ हैं। अब इसके अंदर हम लिक्विड इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। आपको एक साथ सारा लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है, लिटिल बाय लिटिल हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके इसे बैटर बनाएंगे। एक लंप फ्री बैटर प्रिपेयर करना है यहाँ पर हमें। रिमेनिंग को मैं ऐड कर रही हूँ बैटर को, और इसके बाद हम फिर से इसको मिक्स करेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली सब मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर हम 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे, लेकिन वाटर को भी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ पर ऐड करना है। एक साथ आप ऐड करोगे तो गांठें बन जाएंगी बैटर में। तो यहाँ पर रिमेनिंग वाटर को ऐड करते हुए मैं इसको एक स्मूथ बैटर बनाऊंगी, और अगेन आपको इस स्पैचुला से इसे मिक्स करना है, जिससे एक लंप फ्री बैटर प्रिपेयर हो पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटर की कंसिस्टेंसी है जो कि हमें चाहिए। बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है, कोई भी गांठे ना रहे, लंप फ्री बैटर चाहिए हमें यहाँ पर बस। मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब अपने मफिन मोल्ड को आपको फिल करना है। 3/4 हम फिल करेंगे, हम कंप्लीट फिल नहीं करेंगे। अदरवाइज जब हम कंप्लीट फिल कर लेते हैं तो जब बेक होता है तो वो स्पिल ओवर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 6 मफिन मोल्ड को फिल करूँगी। ये बेक एंड सर्व मफिन मोल्ड्स हैं। आप इन्हें कपकेक ट्रे में भी लाइनर्स को लगाकर बेक कर सकते हो।
तो यहाँ पर अभी मैंने 3 मफिन बोल्स बैटर से फिल कर दिए हैं। अब एक सेपरेट बोल में मैं थोड़ा सा बैटर लूँगी और उस बैटर में 1 TSP कोको पाउडर को ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। जिसे इजीली स्मूथ बैटर बन जाए। पानी आपको सिर्फ 1 TSP ऐड करना है, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो कपकेक होगा वो आपका बेक नहीं होगा, अंदर से कुक नहीं होगा प्रॉपर। तो यहाँ पर हमने एक बैटर प्रिपेयर कर लिया है कोको पाउडर की हेल्प से। अब एक मोल्ड को लेकर मैं थोड़ा सा प्लेन बैटर के साथ चॉकलेट बैटर डालूंगी और लास्टली हम उसे स्विल कर देंगे। तो फर्स्ट मैंने प्लेन बैटर ऐड किया, फिर चॉकलेट बैटर, अगेन आई एम एडिंग हियर प्लेन बैटर एंड अगेन चॉकलेट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे मोल्ड्स प्रिपेयर हैं। तो इस मोल्ड में मैंने नीचे की जो लेयर है वो प्लेन बैटर के साथ है एंड अपर लेयर जो इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर चॉकलेट की ऐड की है और नेक्स्ट एंड लास्ट कम्प्लीटली चॉकलेट का प्रिपेयर कर रहे हैं। बैटर पोर कर दिया है, अब इसके वेरिएशंस कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी को ऐड किया है बैटर में, टूथपिक की हेल्प से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। सेम रेसिपी एग्जैक्ट आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर कम से कम मैंने 1 TBSP अप्रॉक्स टूटी फ्रूटी लिया है और 1 TBSP चॉको चिप लिया है। तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में, ये प्लेन वेनिला के बैटर में हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं। चॉकलेट वाले जो कंप्लीटली हमने चॉकलेट का बैटर फिल किया था, रिमेनिंग चॉको चिप उसमें ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से आप ओरियो के चंक्स भी ऐड कर सकते हो। ओरियो बिस्किट को क्रश करके आप प्लेन वनीला बैटर में भी ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर चॉप्ड, हेजलनट्स हैं, आमंड्स हैं, कैश्यूज हैं। इसको मैं अलग बैटर इसमें पोर कर दे रही हूँ। कंप्लीटली मैंने इसको फिल कर दिया है। तो जब हम इसे बेक करेंगे तो इसके अपर लेयर ड्राई फ्रूट्स की रहेगी कम्प्लीटली और इनर आपका कपकेक रहेगा। इसको हम यहाँ पर स्विल कर लेंगे जो हमने मार्बल वाला प्रिपेयर किया था। टूथपिक के हेल्प से आपको इसको इम्प्रेशन देना है अंदर। एक हमारा बिल्कुल प्लेन वेनिला रहेगा। तो इस तरीके से हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं। अभी ने हम बेक करने के लिए रखेंगे। बेकिंग ट्रे में आपको इन्हें अरेंज करना है और 180 डिग्री के लिए अपना ओवन को प्रीहीट कर लेना है फॉर 10 मिनट्स के लिए। जैसे ही आपका ओवन 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट हो जाएगा हम इन्हें बेक करने के लिए रखेंगे फॉर 18-20 मिनट्स। ट्वेंटी मिनट्स में ही परफेक्टली बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कपकेक्स बेक हो चुके हैं।
आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके कपकेक बेक हो गए हैं? आपको एक टूथपिक लेना है और बीच में उसे इंसर्ट करके सेंटर में देखना है कि अगर आपका बैटर क्लीन निकलता है दैट मीन्स आपका कपकेक बेक हो चुका है, और क्लीन नहीं निकलता, बैटर स्टिक होता है, दैट मीन्स आपको 1 or 2 minutes के लिए और एक्स्ट्रा बेक करना होगा। तो ये हमारे कपकेक्स बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें ट्रांसफर करके देख लेते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं ये। मार्बल वाला आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे कपकेक्स सुपर सॉफ्ट बने हुए हैं और इनकी शेल्फ लाइफ रहेगी 5 days के लिए। आप इन्हें 5 दिन के लिए इजीली बनाकर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ही बैटर से इतने सारी वैरायटीज को प्रिपेयर किया है।